नमस्कार मैडम। सारे नियम तोड़ दो। तू कहीं की राष्ट्रपति लग रही है जो नियम तोड़वा रही है थाने में आके। अरे मैं काहे की राष्ट्रपति, जिसको कर रखा है उसके पति ने दुखी। नियम तोड़ दो। एक मिनट क्या हो गया? मतलब आपके पति का किसी और के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है क्या? मेरा मतलब है झपड़ झपड़ झाए झाए चल रहा है। मेरा मतलब है आप अपने पति से दुखी क्यों हैं? अरे काहे का पति? वो तो है ना, क्या वनस्पति है, वनस्पति। सारे नियम तोड़ दो। तो वो वनस्पति में फिर क्या तलती हो, समोसे या पकौड़ी? शाबाश। अरे काहे के समोसे और काहे के पकोड़े? अरे उड़ गए खुशियों के कबूतर हैं और बिक गए सुख के घोड़े। Well, do the matter clear is the I hate tear is the hey. ये नया आया मैडम। वाह तालियां। भाई आज तक बुढ़ाऊ का था कि भैया व्हाट इज द नेम इज द और जेम इज द ट्रैफिक और व्हाट इज मैटर इज द और एयरपोर्ट में पालम इज द, जो भी। एक ये नया वाला आया है इस तीर इसके तर्कस में कि भाई डू मैटर क्लियर इज द और आई हेट टीयर इज द चौकी का काका। लोट ले और खुशी में लोट ले। भैया भी एक केस है मैडम। और तू ब्रीफ केस। ब्रीफ में बोला कर, कम बोला कर, संक्षिप्त। और ये चाहे लेटनेस। अबे जाना चलना फिर। हाँ मैं दुख रहा है क्या? नहीं ठीक है। हाँ जाना। या बात ये है कि मेरे ना जीवन के आंगन में समस्या का पेड़ लग गया है जिसमें ना दुख के फल लटक रहे। मैडम मैं अपने पति की आदत से बहुत परेशान हूँ यार। कैसी आते हैं? तुम्हारा पति जुआरी है, शराबी है, कबाबी है, शबाबी है। शाबाश। तू जा, बीच बीच में मत आया कर। मैं क्या बोल रही हूँ? अरे आओ। कहाँ मैं बोल रही थी इधर से उधर मत उछक, इधर जल्दी आ। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पति की आदत क्या है पता है? रात को एक तो 3 बजे उठ जाते हैं और बोलते हैं चलो चाय बनाओ हैं, और 4 बजे उठ के नहाने चले जाते हैं। 6 बजे तो खाना वाना सब नाश्ता वास्ता ठूस लेते हैं। 7 बजे तो सो जाते हैं और 11 बजे ब्रश करते हैं। अब बताओ मैडम मैं तो ना आदत सीखते, अरे इधर आओ, तो आदत सीख के परेशान हो गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। बस मैं बदल जाऊंगी या तो उनको बदल दो। सही बोल रही हूँ मैं। अरे इसके पति को बुलवाओ जरा, इसके पति को जल्दी थाने में बुलवाया। और क्या? और ना? अरे बोलना। हाँ। हो गया, आप जाइए, हो गया, हम समझ गए। मत आया कर, बीच बीच मत आया कर। पति को बुला रहे हैं। ये क्या है? परेशान है। अबे कहाँ है? मैडम पिंकी अपनी बालकनी में टंगी है और स्वीटी मैडम अपने हलवाई बाप के दुकान के गल्ले पे बैठी है। और उसके अलावा मैडम रीटा है। मैडम रीटा तो कॉलेज गई हुई होगी। मोहल्ले की छोरियों के बारे में ना पूछी, काम पे कुछ दे ले ध्यान। वो सेंटिमेंटल, उसका हस्बैंड कहाँ है जो बुलवाया था? आता होगा मैडम, आता होगा, वो बुलाया तो था। Well, mom, husband is come is the, हसीना कहती है मुझे handsome is the। कहाँ की हसीना है? जंगल के किसी कबीले की? No। अरे सॉरी दादा जी, सॉरी मैडम। नमस्कार मैडम। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। अबे तू क्यों पागल हो रहा है? अपनी बीवी ने क्यों कर रहा परेशान? 6 बजे शाम के तू जो है डिनर मांगे, 7 बजे तू सो जा बे, 11 बजे रात को तू उठ के ब्रूस करे, 12 बजे तू काम पे जाना चाहे, मिडनाइट में तू बिल्कुल एक्टिव हो रहा, बाहर जाने को रेडी। अबे तू पागल, एकदम उल्टी चल रही थारी क्लॉक, भी परेशान हो रही थारी। देखिए मैडम, ये हमारी आदतें हैं और हम अपनी आदतें बदल नहीं सकते। ये आदतें नहीं, समझ लीजिए एक तरह का अनुशासन है जो हमारे पिताजी ने हमें दिया था। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में क्या करते थे आपके पिताजी? भाई साहब बड़े आदमी मालूम होते, कहीं के कलेक्टर थे जी। हमारे पिताजी नारायण टाकिस अटर्रा में टिकट ब्लैक किया करते थे। वाह, काफी प्रेस्टीजियस काम था वो। देखिए सर, उनकी ये हालत इसलिए हुई थी क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं था। अरे, इसीलिए उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा कि चाहे जो भी हो जाए अनुशासन नहीं छोड़ना। इसलिए मैडम हम अपनी आदतें नहीं छोड़ते, हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। लेकिन दोस्त, ऐसी आदतों का क्या फायदा जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही हो? देखिए, इस बात से हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम भले और हमारी आदतें भली, हम किसी के लिए भी अपनी आदतें नहीं बदलने वाले। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। लेकिन अगर आदत बुरी हो तो बदल देनी चाहिए। जैसी हमारी पहले आदत थी, हम कई दिनों तक नाते पहले कई दिनों तक नाते थे और उसके वजह से कई लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन अभी देखो कि अब हम जाने वाले अंदर अपने कैबिन में नहाने के लिए। गोपी हमारे लिए साबुन लेकर आओ, बिल्लू हमारे लिए टॉवल। फ्रेश होते और आते व्हाट से भैया? यस सर। हैं जी। पापा, तुम हमको सस्ता मोबाइल फोन देके खरीद नहीं सकता है। हम मैरी से शादी बनाएंगा, हम मैरी से शादी बनाएंगा। मैरी, विल यू मैरी मी? सर कुछ हुआ था क्या? अबे बाहर में जा बे तू। सर मैं टॉवल लेके आ रहा हूँ सर, फिर बताना। हमारे पास भी ना आना, हम गीले में कपड़े पहन लेंगे। सर मैं साबुन ले आता हूँ फिर। अबे वो तो बिल्कुल ना लाना, डिटर्जेंट पड़ा है, हम डिटर्जेंट से नहा लेंगे। तुम नहीं छोड़ोगे अपनी आदत इज़्दा, मैं करता हूँ हुस्न की इबादत इज़्दा। अबे हाँ, क्या हो रहा है? किसकी कर रहा है इबादत? कौन कर रहा है? प्लीज कैरी ऑन। क्यों? दादाजी, ये जो हमारी आदतें हैं ये कोई जुर्म तो है नहीं और ना ही ये अनुचित है, इसलिए आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे दादाजी, आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9:15। मतलब 8:45। अरे गलती कर ली आपसे पूछ के, 1 मिनट घड़ी हमारे पास। हाँ, दिन के 1:30 बज चुके और इस वक्त हमारे जॉगिंग का टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं। नमस्कार। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ओके, बाय बाय, नमस्कार। अरे हेलो, मोबाइल कहाँ है? क्या है? फिर खींचूंगा मैं किसी दिन मोबाइल से फोटो। कौन सा मोबाइल? पता है मुझे सब। क्या हैं? मैडम ये आदमी तो ऐसे ही चला गया मैडम। अब इसकी बीवी का केस हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे हेल्प करेंगे उसकी? मैडम हम यो कैसे करेंगे? मैडम इसका क्या करना है? मैडम रोड कैसे पार करूं? मैडम खाना चम्मच से खा लूं कि फोर्क से खा लूं मैं? अबे कोई काम खुद भी कर लिया करो, सब मैडम ही करेगी तुम्हारे। मैडम बिल्कुल बाल मूंड के तुम्हें पाउडर डाल के भेजेगी रोज सवेरे काम पे। यो काम करो, इसके सॉल्व करो जरा, मैं देखूं कैसे करते हो। ये क्या करें सर? जब मैं भुला था तो मोबाइल किसी ने लिया है क्या? भैया, ये बाहर पड़ा हुआ मिला है मुझे, पता नहीं किसी का गिरा होगा। इसको गुमशुदा में डाल दो, नहीं तो फिर आप रख लो। आइए आइए। अरे दादाजी, शीला आ गई। क्यों भैया, कुछ रास्ता निकाला मैडम ने जिससे मेरे खुशियों का फूल खिल जाए? रास्ता मैडम नहीं, रास्ता हम निकालेंगे, क्योंकि मैडम ने हमें ये जिम्मेदारी दी है और हम इस जिम्मेदारी को निभा कर रहेंगे है? हम अब जैसा जैसा बोलते हैं ना, आप बस वैसा वैसा सब करते जाओ, फिर देखो क्या होता है। देखिए, आपकी जो समस्या है वो पूर्णमासी में अमावस्या है। मतलब बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम का जड़ तुम खुद हो। हाय हाय, मतलब सारी समस्या की जड़ मैं हूँ? मतलब देखो, प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पति शाम को 7 बजे सो जाते। अब शाम को 7 बजे सो जाते हैं, इसीलिए रात को 2:30 बजे उठ जाते हैं, फिर 4 बजे नहा लेते हैं। तो उन्हें 7 बजे सोने से रोको। लेकिन कैसे? अरे यार, समझा करो। देखो, अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करो, सिर्फ नाम की नहीं बल्कि काम की शीला बनो। कभी कैटरीना, कभी करीना बनो, कभी प्रियंका चोपड़ा, कभी विद्या बालन के हुस्न का झोपड़ा। वेल गुलगुले, सीधी सीधी तरह सिखाओ इसदा, तुम अपने पति को रिझाओ इसदा। और कुछ ऐसा कर दो कि वो बौराए बिलौटे की तरह तुम्हारे पीछे पीछे बिलबिलाता हुआ फिरे। फिर तुम आदत तो क्या, दुनिया छोड़ने को बोलोगी ना तो वो भी छोड़ देगा। लेकिन दादाजी, मुझे तो है ना रिझाना आता ही नहीं है, सारे नियम तोड़ दो। तो उसमें क्या है, मुझे आता है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं सिखा दूंगा, मैं सिखा देता हूँ। तुम इधर बैठो बैठो। देखो, ये जो खंबा है ना यहाँ पर, ये मान लो ये तुम्हारा पति है। ये अभी अभी ऑफिस से आया, एकदम थका हुआ है, ठीक है? बिल्लू, ऐसे रिझाना है। हाँ तो उधर रिझाना, मेरे को क्या रिझा रहा है? सॉरी, मैं ना समझ गई। अब देखना, मैं अपने पति को है ना ऐसा रिझाऊंगी कि ना वो सारी आदतें हमें छोड़ देगा। गुड। ये भी क्या बात हुई, कहाँ है सब? जी नमस्कार। आपकी जानकारी हेतु आपको ये बता दूं कि ये कैसा मजाक है, ये कैसा फुहड़पन है। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। अबे क्या हो गया? अबे बच्चे खेल रहे, खेलने दो। स्नेक एंड लैडर, लूडो, इतने उखड़े हुए क्यों हो तुम? अरे सर, उखड़े ना तो क्या करें, आपके इन हवलदारों ने हमारी पत्नी को नाच गाना सिखाया और उसने घर आके हमें दिखाया, जिसको देखकर हमारी तबीयत हरी हो गई। अरे हरी नहीं, उखड़ गई, उखड़ गई तबीयत। आपसे एक बात कह दे कि ये अनुशासन के खिलाफ है। इस प्रकार का नाच हमारे घर में किया जाए जिस प्रकार का हमारी पत्नी ने किया, वो भी आपके इन हवलदारों के कहने पर। आपको पता है, इस वजह से हमारा और हमारी पत्नी का झगड़ा हो गया। हल्का हो गया, तगड़ा हो गया? अरे तगड़ा दादाजी, बहुत तगड़ा। ऐसा झगड़ा कि हमारी पत्नी रूठ के, अपने घर की जिम्मेदारियों से छूट के अपने मायके चली गई है और जाते जाते ये कह गई है कि या तो हम अपनी आदतें बदले और या फिर वो हमें ही बदल देगी। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ओके, प्लीज कैरी ऑन। कौन जीत रहा है? सर मैं जीत रहा हूँ, सर मैं जीत रहा हूँ ऑलवेज। वेरी गुड। तो अपनी आदत बदल लो ना भैया, आदत क्यों पकड़े रखे हो? नहीं बदल सकते हम सर, हम अपनी आदतें नहीं बदल सकते क्योंकि हमारी आदत है। और आप लोगों की वजह से अब हमें कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, कौन चाय देगा, कौन नाश्ता देगा। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। हम आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं करेंगे। अबे बीवी चाहिए कि भाई चाहिए बे उसको? है? और तुम लोगों ने क्या किया बे? क्या किया? सब ठीक करने भेजा था, गड़बड़ कर दिया। देख क्या हालत में, अभी कौन जवाब देगा? वेल सर, हो गई मिस्टेक इज़ दा, मोम लगाएंगे हम तीनों को एक एक इज़ दा। डिजर्व इट। सर आप कहेंगे सर? हाँ? नहीं, मेरी गोटी खा गए सर। सर मैंने 2 गोल किए। मैं नहीं खेलता तुम लोगों के साथ बे, कुछ भी बोलते हो बे। चलो हम खेलें। मैं नई गोटी लेके आऊंगा। दे देना। कहाँ है इसकी गोटी? ये ले ले, मिल गई मिल गई, खेल लेंगे, आजा। एक काम कही थी, एक काम। सॉरी मैडम, हम लोग तो भलाई का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे थे। हमको क्या पता था कि उससे भपक के आग लग जाएगी। या मॉम, आपने ही तो कहा था शीला की करो सहायता इज़दा, लेकिन फैल गया रहता इज़दा। माँ मैडम, हमारा इरादा तो एकदम नेक था मैडम, लेकिन वो अनुशासन प्रशासन इतना अजीब आदमी है कि उसकी बीवी रूट के मायके चली गई है। पर उसकी बीवी ने तो धमकी तक दी है मैडम कि अपनी आदत बदलो वरना पति बदल दूंगी, लेकिन वो कुछ बदलने को तैयार ही नहीं है। मेरा है मन्ने, कतई रोती भी मिली थी मन्ने स्टेशन के बाहर, झोला वोला लेके जा रही थी बस। अरे क्या ऐसे कैसे तुमने उसको सिखाया, क्या करा उसने? बेचारी ने इतना स्वांग रचा, फिर भी जो है उसका पति कतई रीझा ना बल्कि खींचा, और उससे निकला ये नतीजा कि बिल्कुल जो है वो रूठ गई और कह रही कि अब हमारे बस की ना है, मैं तो जा रही हूँ भैया। जो एक नंबर का इरिटेटिंग आदमी है उसका हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड होना तो बिल्कुल ही कतई। मैं इसको कतई सबक सिखाऊंगी, इसके हस्बैंड को मैं। मिस चौटाला, हम क्या कह रहे? अबे बदतमीज लोग, लेडीज मैगजीन किसने रखा हमारे फाइल में? सस्पेंड कर देंगे तुम सबको हम। चौटाला, हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, हस्बैंड तो अपनी आदत बदलेगा नहीं, वाइफ चली गई गांव, तो उसके बीच में हम और आप क्या करेंगे? क्रिमिनल केस भी ना है तो सॉल्व करके क्या मतलब समझ में नहीं आया हमको कुछ। हाँ तो सर कोई बात ना है, क्रिमिनल केस ना है तो इंसानियत का केस तो है। एक औरत इतनी परेशान हो रही है अपने पति से कि वो इतना इरिटेटिंग ऐसे गलत गलत नियम कर रहा है। सहायता करनी तो बनती है सर, वरना कोई फायदा ही नहीं है। फिर सहायता तो मैं करूंगी, पर उससे पहले होगा एक खून। कहाँ? किसका? यहाँ चौकी में। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटकन मिर्च ना मक्खन एड़िया आ रहा है। तो तैने जो है तवे पे बैठा के गरम वाले पे मक्खन की तरह पिघला दूंगी, फिर देगा एड़िया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। सुन लो सब, कान वान खोल के करना के। अब भैया तुम तीनों, गुलगुले, अपना गोपी और बिल्लो, तुम तीनों बनोगे एजेंसी वाले, बाई मेड एजेंसी वाले, नौकर वगैरह जो देते हैं। अब एजेंसी वाले बनके मिलोगे और उसको दोगे एक बढ़िया वाली मेड। किसको? अपना ये शीला के हस्बैंड को, क्योंकि शीला तो है नहीं तो काम वाम करने के लिए है। तो एक सस्ती मेड दोगे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कि भैया 2 महीने तक इस बाई को आप निकाल नहीं सकते नौकरी से। करेक्ट है जी? ये बढ़िया काम कर लो, बढ़िया गेटअप वेटअप लो। और तू बुढ़ाऊ, तू जरा ना घोल के सीमेंट एक कप में अपनी चाय के संग पी ले सीमेंट, ताकि तेरे जो एक्सप्रेशन है जम जाए। बहुत हेमिंग कर रहा है तू पिछले कुछ टाइम से। प्लीज थ्रस्ट मी। थ्रस्ट या। चलिए ठीक है, एक सॉल्व कर लेते मिस्टर, लेकिन इनसे कह दो कि हमारे फाइल में कोई महिला की मैगजीन ना छोड़े कभी। बैग क्यों हाथ में पकड़ा? अभी हाउस मेड एजेंसी को मैंने पैसे भी भर दिए, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, लेकिन मेड अभी तक आई नहीं। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में।